तीन दिन पहले ही आना पड़ा बाहर। एंड जब आप घर के अंदर गई तो फैंस ने कहा थारे बिन लागे ना ही मारा जी आ रे। अच्छा ना बाहर आ गए तो आपको नेशनल क्रश करके भी लोग नाम दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबी सफर की जर्नी है, बताइए। जर्नी मेरी रोलर कोस्टर की तरह रही है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। अब जब बाहर आके भी देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारे टैग्स दे दिए। तो आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल ने मुझे, लोगों ने मुझे समझा है, इसीलिए मैं टॉप सिक्स तक गई। जिन लोगों को भी डाउट्स थे कि ये तो क्या ही कर रही थी, वो तो थी नहीं थी, सेम ही है, ऐसा रिसेंटली किसी ने बोला था एक इंटरव्यू में, तो ये उसके लिए भी है। तो अगर नहीं था तो मैं बहुत सारी चीज़ें की हाइप हुई थी मैं जब अंदर थी तब रह के। सिर्फ बिग बॉस में रहना मतलब झगड़े ही करना, ये बिग बॉस नहीं है। तुम रियल रहकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं तुमको झगड़े ही करने तब तुम दिखाई दोगे। मेरे जो भी नेचुरल जैसी जर्नी थी वैसी रही, मैं कुछ भी सोच के नहीं गई थी। एंड आई एम सो ग्लैड एंड एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड ऑफ माई जर्नी जैसी भी रही। तो ये सारे जो टैग्स दिए गए, डम्ब, कन्फ्यूज्ड, आई डोंट थिंक आई वॉज एवर कन्फ्यूज्ड। नाउ आई कैन सी दैट अंदर तुम लोगों ने इतना मुझे ऐसा बोल बोल के ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में डाल दी और अपने सिनारियोज प्रस्पेक्टिव चेंज किए, अपने नैरेटिव चेंज किए, तो वो चीज़ तुम लोगों ने मेरे साथ किए। बट आई डोंट थिंक आई वॉज एवर कन्फ्यूज्ड, आई वॉज ओनली स्टेटिंग माई पॉइंट्स एंड आई वॉज ओनली ट्राइंग टू क्लियर माई थिंग्स विथ पीपल। तो अविनाश जी बाहर आके जो आपके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपका उस पर क्या कहना है? क्या जो आप सुन रहे हैं ये कि आपको लेके कि मतलब हर लड़के पे कुछ ना कुछ होता ही है, मुझे प्लीज़ एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताओ उन्होंने क्या किया है, क्या बोला है, तो मैं बोल सकती हूँ उस चीज़ के बारे में। बट एज टू वॉट आईव हर्ड और जो एपिसोड में भी बोला उन्होंने, जब वो बात हुई थी कि जिया तो इनिशियली आपको लाइक करती थी वो आपको लाइक, तो तब अविनाश के यहाँ से आना चाहिए था कि नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है क्या। बट तो उस चीज़ में मज़े लेने वाली कोई बात नहीं थी, वो मज़े लेने जैसी बात ही नहीं थी। कोई ना कोई चाहिए होता है ना, समझ रहे हो ना। नो इट वॉज डिस्गस्टिंग, आई एम सॉरी, इट वॉज डिस्गस्टिंग। मैं ऐसे किसी भी कभी किसी औरत के बारे में ये सब बोलूँगी नहीं फर्स्टली, और किसी कैरेक्टर के ऊपर जाना इस तरीके से उसको हर इंसान के साथ लिंकअप कर देना, हर आदमी के साथ लिंकअप कर देना, इट्स नॉट फनी। उसके ऊपर ये जोक करना कि वो पता नहीं, वो अविनाश ने जो कुछ भी कहा कि गाड़ी कब आई और पता नहीं चला जो भी वो बोला है, इट वॉज़ नॉट फनी। तुम किसी कैरेक्टर के ऊपर चीज़ें बोल रहे हो, प्लीज़ थिंक अबाउट इट अ जिलियन टाइम्स बिफोर यू स्पीक। अगर तुम्हारे पास नहीं है कुछ बोलने के लिए तो मत बोलो, बट ये सब चीज़ें बोलना इज़ डिस्गस्टिंग। व्हेन कितनी सारी बार तो मैंने बोला था कि यू नो आई लुक एट हिम एज माई ब्रदर, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो मैं उसको उस नज़रिए से कभी देख ही नहीं सकती। ब्रो कोड नाम की कोई चीज़ होती है, एंड आई थिंक आई 1000% फॉलो दैट। तो एक बार मेरे किसी भी दोस्त और इसका कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ होगा तो मेरे लिए वो भाई है। लेकिन आपके और अभिषेक के बॉन्ड को लोगों ने बहुत पसंद किया है ना, अभी बाहर आके किस तरीके के देखने मिलेंगे आप दोनों के रिलेशंस? जो वक्त ही बताएगा कैसे होगा हमारा बॉन्ड, बट देन फ्रॉम माय एंड ही स्टिल स्पेशल फॉर मी एंड आई विल वेट फॉर हिम। ओके, वंस ही इज आउट। सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? काफी सिस्टम हो रहा है। सिस्टम जिस तरीके से ऐसे बोल रहे हैं ना, मेरे लिए तो बस वो लड़का है जो दिल से खेल रहा है अंदर इस वक्त। एक चीज़ हुई, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की और उसके बाद जो वो इंसान दिखा है, और आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। जैसी हमारी बॉन्ड बनी और जो नफरत करते थे एक दूसरे से, और कैसे ऐसे, नफरत इज़ अ वेरी बिग वर्ड एक्चुअली, आई नेवर हेटेड हिम, बहुत गुस्सा आता था मुझे उस पर इनिशियली, लेकिन बाद में जिस तरीके से ऐसे बॉन्ड चेंज हुई, एंड आई थिंक नाउ द अमाउंट ऑफ लव दैट आई हैव फॉर हिम, आई होप दैट विल स्टे
लाइक दिस फॉर एवर, लेकिन जब वो बाहर आए तो आई होप कि हमारी बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो। क्या लगता है कौन होगा विनर? जो भी दिल का सच्चा हो। फिर भी क्या लगता है आपकी तरफ से कोई एक अपील अगर करें तो आप? कोई मेरे लिए अभिषेक और एलविश में से कोई भी हाँ, दोनों डिजर्व करते हैं, तो दोनों में से किसी को भी मिले। अगर मान लीजिए एलविश जीते तो क्या एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आपको लगता है कि इस वजह से वो जीत सकता है? इस वजह से वो जीत सकता है, दैट इज सी, देखो ये ना ऑडियंस, इतनी बड़ी ऑडियंस होना, ये होना, वो होना, फैन बेस होना, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स एज मच एज वो इंसान मैटर करता है। वो इंसान जो है ना एलविश, ही इज अ स्वीट हार्ट, तो आई थिंक अगर वो जीतेगा तो उस वजह से जीतेगा। एंड अभिषेक? अभिषेक लाइक आई सेड, ही हैज हिज क्वालिटीज टू, वो स्टार्टिंग से अगर किसी ने गेम समझा था वाज अभिषेक, एंड वो बहुत सही खेला है स्टार्ट से, एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फॉर एलविश, तो दोनों में से टक्कर का मुकाबला है, तो कोई भी जीते। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सारा प्यार दिया? ऑडियंस, जिया की जनता, एंड टू एवरीबडी एल्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज सो मच। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा बाहर आने के बाद, जो कि मिला है, और इसके लिए आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल, एंड दैट इज़ माई ट्रॉफी, एंड दैट पीपल अंडरस्टूड मी एज अ पर्सन, एज मैंने जो कुछ भी किया अंदर, मैंने बहुत गलतियाँ भी की है, एक्सेप्ट की है, अपोलोजाइज किया है, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम इट, आई हैव ग्रोन फ्रॉम इट, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जर्नी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।